जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए महीने की पूर्णिमा करो, मना नहीं है। और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है, चैत्री चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। हर हर महादेव। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है, चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूं। कितना सुंदर संवाद लिखा है, अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर, माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो, उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ है उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। दो पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप रुक वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तु। अगर मौका मिल जाए, शिव महापुराण कथा एक बेलपत्र उपाय के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक बेलपत्र महादेव आपकी, एक धतूरा जानते हो, इसी के साथ, अरे बोलो तुम जानते हो ना, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र, शमीपत्र कितना, एक, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना, आखा का मतलब जानते हो, मतलब पूरा सेगा चावल का दाना, एक, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं, जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है, भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझी नहीं रहा, अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि, शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर, कौन सा नाम, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम
सुख देने वाला। तीन पुरियों को भस्म करा। तीन पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शको हर हर महादेव। गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक मास के पूर्णिमा के दिन अगर दान पुण्य जो भी किया जाता हो करोड़ों गुना लाभ भी मिलता है। और गुरु जी यह भी बताते हैं कि पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई सामग्री अवश्य बनाएं, जैसे खीर है थोड़ी मात्रा में ही बनाएं, लेकिन अवश्य बनाएं। इससे घर में धन सम्पदा वैभव बनी रहती है, माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। जो भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और महादेव से प्रार्थना करूंगी कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी मनोकामना जल्द पूर्ण करें।